व्यापार धन को या गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा सपा सरकार में विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चलाकी से केवल उनका नाम बदलकर ही चलाया हुआ है, जिसमें से इनकी समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार ने खासकर प्रदेश के सभी वर्गों व धर्मों के आम लोगों की तथा विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी हालत या हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी रही है, जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ थोक के भाव में ही बदलते रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। और इसके लिए सपा के साथ साथ केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेस व वर्तमान भाजपा सरकार भी बराबर की जिम्मेवार व कसूरवार भी है, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ में यहाँ अपनी संविधानिक जिम्मेवारी को भी बराबर नहीं निभाया है। इसलिए अब खासकर देश के प्रधानमंत्री को यहाँ प्रदेश में चल रहे गुंडा व जंगल राज पर कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रहा है, और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ वहीं दूसरी तरफ सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व उनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। और इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और फिर इनका अपना बेस वोट भी दो खेमों में ही बट के रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में खासकर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकारी चला जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। और इस वोट में अल्पसंख्यक समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा, अर्थात फिर बीजेपी यहाँ प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है। और वैसे भी केंद्र में बीजेपी वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा खासकर यहाँ गरीबों व किसानों के लिए ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल
100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये इनका पहला बीजेपी का मुख्य चुनावी वायदा था लोकसभा चुनाव में। और इसके साथ ही यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का भी कर्जा माफ कर दिया जाएगा, जिसे अब ये लोग इस चुनाव में फिर से भुनाने की पूरी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या केंद्र की सरकार को बने हुए अब लगभग 3.25 वर्ष हो चुके हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या इन 3.25 वर्षों में किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी आया है? मैं समझती हूँ नहीं आया है। मैं अपने किसान भाइयों से भी ये पूछना चाहती हूँ, क्या किसी भी किसान का कर्ज माफ हुआ है? मैं समझती हूँ नहीं हुआ है। लेकिन इनके ये दोनों, इस प्रकार से इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे अब यहाँ अन्य वायदों की तरह ही केवल हवा हवाई। इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है, जो आप लोगों से छिपी नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में वे इसे देश हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का ये कैसा अति जनपीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब मजदूर किसान वे अन्य मेहनत कर एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रहे हैं। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं, जबकि वही दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही 10 महीनों के अंदर अंदर अपनी पार्टी का वे अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा काला है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने आज तक ये भी नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है। ये बात भी बीजेपी के लोगों ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। इसलिए इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है। इसके अलावा अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार के जबरदस्ती के गलत आरोप लगाने वाली बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये भी जरूर बताना चाहिए कि इन्होंने अपने चहेते ललित मोदी, विजय माल्या व मध्य प्रदेश भाजपा सरकार का बड़ा व्यापम घोटाला एवं अनेकों और घोटालों में फंसे अपने नजदीकी लोगों को अभी तक भी इन्होंने क्यों बचाया हुआ है, जिसका जवाब देने से अक्सर ये लोग बचते ही रहते हैं। इसलिए इस मामले में अब इनकी ये खास पहचान बन गई है, बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की अब इस मामले में ये खास पहचान बन गई है कि वे खुद तो
शीशे के घर में रहते हैं, लेकिन दूसरों के घरों में पत्थर मारना नहीं भूलते हैं। जबकि भ्रष्टाचार के मामले में हमारी पार्टी की रही सरकार ने ऐसे सभी लोगों के खिलाफ काफी सख्त कानूनी कार्रवाई की है, जिसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। और अब मेरा यही कहना है कि बीजेपी व प्रधानमंत्री ने अपने अब तक के रहे कार्यकाल में केवल एक ही बड़ा कार्य ये किया है कि इन्होंने देश में अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को पहले से भी और कई गुना ज्यादा माला माल व धनवान बना दिया है, जिनके धन व बल की मदद से ही अब ये पार्टी केंद्र की तरह या उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में आने के सपने देख रही है, जिसे आप लोगों को कतई भी पूरा नहीं होने देना है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते या विशेषकर देश के दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण वे अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक की चलकर उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में वे खत्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही इन्होंने केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्य सरकारों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इन वर्गों का आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया है। इसके साथ साथ अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन विभिन्न स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित बेमूला कांड, गुजरात का दलित ऊना कांड व यहाँ के उत्तर प्रदेश का भी दया शंकर सिंह कांड आदि इसके कुछ खास उदाहरण हैं। ऐसे हालातों में केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार द्वारा इन लोगों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने की मात्र घोषणा करने से वे कुछ मौकों पर इनका नाम इस्तेमाल किए जाने से वे कुछ संस्थानों का भी नाम आदि रखने से तथा कांग्रेस पार्टी की ही तरह दलितों व पिछड़ों के घरों में जाकर उनके साथ खाना आदि खाने से भी इनके समाज का पिछड़ापन व सामाजिक उत्पीड़न आदि कतई भी खत्म होने वाला नहीं है। और वर्तमान में अब ये लोग अपने समाज पर आए दिन हो रहे अन्याय, अत्याचार व जातिवादी व्यवहार एवं सरकारी भेदभाव व उपेक्षा आदि से काफी ज्यादा दुखी हैं। और अब इन सब मामलों में ये लोग बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल सहानुभूति व हमदर्दी नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनके मुख्य दोषी लोगों के खिलाफ समय से ठोस कानूनी कार्यवाही भी सुनिश्चित होते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अब ये लोग अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ साथ भारतीय संविधान में इन्हें खासकर समान बराबरी व आरक्षण आदि के जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं, तो उनको अब ये लोग वास्तव में या जमीनी हकीकत में लागू होते हुए देखना चाहते हैं। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा की सरकार के चलते अब यहाँ पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ भी अधिकांश सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़
वह जामा मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो भी दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन जहां इन लोगों के ऊपर विशेषकर गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में खासकर यहाँ अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से ही देखा जा रहा है, जिससे इनमें हमेशा ही डर व भय का भय बना रहता है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है कि ये रिपोर्ट लागू हो जाए। इसके अलावा केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार की भी गलत आर्थिक नीतियों के कारण अब यहाँ सभी वर्गों में से खासकर गरीब व बेरोजगार लोग भी अपनी रोटी रोजी के लिए हमें काफी ज्यादा परेशान व दुखी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अब ये भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश व कानून व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो इस मामले में भी सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने पूर्व के रहे लगभग 6 वर्षों के शासन काल में यहाँ विकास, जनहित व जन कल्याण के कार्यों की तरफ ध्यान न देकर केवल अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ अधिकांश सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है, जिसके कारण ही फिर इस पार्टी को सन 1992 में समय से पहले ही यहाँ अपनी सत्ता तक भी गंवानी पड़ी थी, जबकि इस अवधि में केंद्र में भी ज्यादातर बीजेपी की ही सरकार रही है। इसके अलावा बीजेपी के लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी सुधारने के लिए जो काफी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार अपने अधीन में चल रही देश की राजधानी दिल्ली की भी कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले यहाँ अपने उत्तर प्रदेश की वर्तमान में अति खराब व दयनीय हालत में चल रही कानून व्यवस्था को भला इस पार्टी की सरकार यहाँ कैसे संभाल सकती है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग व आपके क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की इन सब बातों को ध्यान में रखकर वे इनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं, और इस मामले में खासकर ये लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में नहीं आते हैं। इसके साथ ही विरोधियों द्वारा मैनेज किए गए मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी जबरदस्ती की अपने अपने पक्ष में हवा बनाने वाले इनकी खबरों से भी ये लोग गुमराह नहीं होते हैं, तो फिर इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, विरोधी पार्टियों द्वारा मीडिया में और ओपिनियन पोल व सर्वे आदि के जरिए
तो जिस प्रकार से बीएसपी को बहुत कम तरीके से आंका जा रहा है सीटों के मामले में, तो मैं इन लोगों को ये बताना, आप लोगों को सावधानी के तौर पर ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में सन 2007 में विधानसभा के लिए आम चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव में तो मीडिया ने मीडिया और ओपिनियन पोल में वे सर्वे आदि में तो बीएसपी को तीसरे और चौथे नंबर पर दिखाया था सन 2007 में, आप लोगों को याद होगा। कोई नहीं ये महसूस कर रहा था या आंक रहा था कि बीएसपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर आएगी, ये सन 2007 की बात है। मीडिया वाले लोग, ओपिनियन पोल वाले लोग, सर्वे वाले लोग बीएसपी को सन 2007 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव हुआ था तो बीएसपी को तीसरे और चौथे पर दिखाते थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ओपिनियन जो पोल जिन्होंने दिखाया था कि बीएसपी तीसरे और चौथे पर रहेगी, उनकी पोल खुल गई और बहुजन समाज पार्टी नंबर वन की पार्टी बनकर उभरी थी सन 2007 में। बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली और बीएसपी की अकेले अपने बलबूते पर ही सरकार बनी थी। तो इसी प्रकार अब विरोधी पार्टियों के बारे में आप लोगों को मालूम है कि चुनाव में इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। बीजेपी की भी हालत खराब है, क्योंकि बीजेपी ने खास तौर से अपने लोकसभा चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया और नोटबंदी की वजह से जनता त्राही त्राही कर रही है और सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग जो है वो भी बड़ा दुखी है इनके नोटबंदी के फैसले से। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज है, जंगल राज है, तो उससे भी जनता बड़ी दुखी है। लेकिन इन सबके बावजूद भी मीडिया में और ओपिनियन पोल में और सर्वे में फिर भी इन पार्टियों को आगे दिखा रहे हैं, तो इसको आप लोग क्या मान के चलेंगे? ये मैनेज किया हुआ ओपिनियन पोल नहीं है तो और क्या है? ये मैनेज किया हुआ सर्वे नहीं है तो और क्या है? इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को विरोधी पार्टियों द्वारा जो मैनेज किया गया ओपिनियन पोल है, सर्वे है, उनके बहकावे में कतई भी नहीं आना है। और मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब रिजल्ट आएगा तो विरोधी पार्टियों का मैनेज किया गया ओपिनियन पोल की पोल खुल जाएगी और बहुजन समाज पार्टी नंबर वन की पार्टी बनकर उभरेगी, बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी और बीएसपी के फिर अकेले ही सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि यदि इस मामले में खासकर ये लोग, हमारे लोग, इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी नहीं आते हैं और इसके साथ ही विरोधी द्वारा मैनेज किए गए मीडिया वे ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी जबरदस्ती की अपने अपने पक्ष में हवा बनाने वाली इनकी हवा हवाई खबरों से भी ये लोग गुमराह नहीं होते हैं, तो फिर इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये बात मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ। और यदि इन सब मामलों में हमारे लोगों ने सावधानी बरतने में थोड़ी सी भी चूक कर दी, तो फिर इसका फायदा उठाकर यहाँ बीजेपी व सपा भी सत्ता में आ सकती है और ऐसा हो जाने पर फिर यहाँ की आम जनता की जिंदगी पहले से भी काफी ज्यादा अति पीड़ादायी व नरक ही बन जाएगी। सपा की सरकार के आते ही फिर यहाँ हर प्रकार के अपराध व जुल्म जाति पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और इस मामले में फिर यहाँ कितने और मुजफ्फरनगर, दादरी, बुलंदशहर व मथुरा आदि कांड होंगे, तो इसका भी इनके वर्तमान शासन काल से काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। और यदि इस पार्टी के स्थान पर यहाँ बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग यहाँ नोटबंदी जैसे अनेकों और जन पीड़ादायी फैसले लेने के लिए और भी ज्यादा आजाद व बेलगाम हो जाएंगे।
जिससे फिर पूरे देश में यहाँ गरीब मजदूर किसान वे अन्य मेहनत कश एवं मध्यम वर्गीय लोगों का जीवन गुजर बसर करना पहले से और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण खासकर यहाँ दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं तो उन्हें फिर ये भारतीय जनता पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार यदि बीजेपी यहाँ उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ गई तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यह मौका पाते ही या तो आपके आरक्षण को खत्म कर देगी फिर आपके आरक्षण में अन्य सभी सुविधाओं को पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और इस मामले में खास सूत्रों से हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार के बनते ही फिर यहाँ इन सभी वर्गों के पूरे आरक्षण को वे अन्य सभी सुविधाओं को भी मौका पाते ही उन्हें कभी भी खत्म कर सकती है यदि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पावर में आ गई, जिसे बचाने के लिए अब इस चुनाव में प्रदेश के खासकर दलितों वे आदिवासियों वे अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को यहाँ बीजेपी को कतई भी अपना वोट नहीं देना है। अर्थात इन वर्गों के लोगों को बीजेपी को वोट देने का मतलब है इन्हें अपने खुद के आरक्षण के खिलाफ ही वोट देना है, जिसे बचाए रखने के लिए अभी तक भी हमारी पार्टी अपनी पूरी जान की बाजी लगाए हुए है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अल्पसंख्यक एवं अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा ही इसकी पक्ष कर रही है, जिसे फिर संविधान में संशोधन करके केंद्र की सरकार को ही करना होगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को प्रदेश की जनता को भी अपने हितों में इस चुनाव में यहाँ बीएसपी की अकेले ही अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। हालांकि प्रदेश में अपनी पार्टी की अभी तक जितनी भी रिकॉर्ड तोड़ चुनावी रैलियां हुई हैं, आज भी आप लोगों की ये रैली रिकॉर्ड तोड़। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि प्रदेश में अपनी पार्टी की अभी तक जितनी भी रिकॉर्ड तोड़ चुनावी रैलियां हुई हैं, तो उससे अब तक के यही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अब इस चुनाव में बीएसपी की ही अकेले अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है, जिसे बीजेपी ने भी अंदर अंदर स्वीकार कर लिया है। और अब बीजेपी यहाँ वास्तव में सपा व कांग्रेस गठबंधन से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़ रही है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ प्रदेश में बीएसपी की ही अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनना लगभग तय है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों बदमाशों माफियाओं अराजक भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा जहां उनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है, ताकि फिर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन छिपे के बाद भी अकेले ही बाहर आ जा सके। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें बरसों से जेलों में कैद करके रखा हुआ है, तो उन मामलों की हमारी सरकार द्वारा समीक्षा करवाई जाएगी
और इसकी रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेलों से रिहा भी करवा दिया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार ने जिन पीड़ित लोगों की थानों में FIR दर्ज नहीं की गई है तो उनकी विशेष अभियान के जरिए FIR दर्ज करवाई जाएगी तथा उन्हें समय से न्याय भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही मेरे पूर्व के शासनकाल की तरह इस बार भी प्रदेश के सभी वर्गों व धर्मों के लोगों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हित व कल्याण का भी हर स्तर पर पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस मामले में खासकर यहाँ सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे गन्ना किसानों की व इनकी अन्य और फसलों की भी बकाया पड़ी धनराशि का भी फिर बहुत जल्दी ही भुगतान करवाया जाएगा तथा इनकी सभी फसलों का उन्हें उचित दाम भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ साथ मेरी सरकार ने प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा के साथ साथ ही आप लोगों को मालूम है कि जब से उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी है तो जो हमारे व्यापारी लोग हैं वो बड़े पैमाने पर दुखी हैं। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, ना वो खुद सुरक्षित है ना उनका कारोबार सुरक्षित है। और आए दिन तो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी ना किसी जिले में तो किसी ना किसी व्यापारी की हत्या कर दी जाती है। अभी हाल ही में मेरठ में आप लोगों को मालूम है कि एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। ये भी आप लोगों से छिपा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को खास तौर से व्यापारियों को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बनेगी तो व्यापारियों के जो व्यापारी तबके के लोग हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उनके कारोबार में भी किसी भी गुंडे माफिया का दखल नहीं देने दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, मेरा आप से व्यापारी वर्ग से ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार में प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा के साथ ही इनके व्यापार व कारोबार आदि से जुड़ी सभी समस्याओं के निदान के लिए भी एक अलग से आयोग का गठन किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व अन्य और रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से ही पूरा करवाया जाएगा। इसके साथ ही मेरी सरकार में जनहित व जन कल्याण की जो भी योजनाएं शुरू की गई थी तो उन्हें भी फिर से लागू कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि सपा सरकार ने अपने राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए हैं तो उन्हें भी फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। और मैं पश्चिमी यूपी के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, याद भी दिलाना चाहती हूँ कि जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में जब पुलिस महकमे में भर्ती हुई थी तो आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर तो सभी जाति के लोगों को का ध्यान रखते हुए बिना पक्षपात के तो आज के पश्चिमी यूपी में पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर भर्ती की गई थी। और भर्ती के दौरान किसी से भी एक रुपया मेरी सरकार ने नहीं लिया था, किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि एक रुपया वो भर्ती में रिश्वत के रूप में ले। इसलिए मैं पूरे पश्चिमी यूपी को गाजियाबाद और हापुड़ जिले के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर जिले के साथ साथ पूरे पश्चिमी यूपी के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब मेरी सरकार बनेगी तो पूरे उत्तर प्रदेश में, वैसे तो पूरे यूपी के जो नौजवान जो बेरोजगार लोग हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा,
लेकिन पश्चिमी यूपी के लोगों के साथ भी कोई पक्षपात वाला रवैया नहीं अपनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार नौजवान लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, विभिन्न विभागों में भर्ती की जाएगी और बिना रिश्वत के की जाएगी और आप लोगों को पूरा मौका सर्विस में जाने का मिलेगा, सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में भी। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार में या सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप या मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर ही आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि फिर वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले तथा बिजली पानी व स्वास्थ्य सेवाएं आदि ये सभी सस्ती व समय से मिले, अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सपा सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ घटिया खाना नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी पार्टी के इन बच्चों को दूध बिस्कुट अंडा चना केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा आप लोग ध्यान से सुनो मेरी बात, इसके आप लोग नारे मत लगाओ, ध्यान से सुनो भाई, आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत मैंने आपके नारे सुन लिए हैं, आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। इसके अलावा प्रदेश के खासकर गरीब मजदूर छोटे किसान वे अन्य मेहनत कश लोग भी जो बरसों से या छोटे छोटे कर्जों में काफी बुरी तरह से डूबे हुए हैं और उनसे वसूली के लिए बैंक वाले आए दिन उन्हें परेशानी करते रहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है, जिसे गंभीरता से लेते हुए इस बार हमारी पार्टी की सरकार द्वारा इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों के 1,00,000 रुपए तक के भी कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, अर्थात अब इनका ये कर्जा मेरी सरकार की ओर से ही दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के गरीब लोगों को नियमों के तहत फिर से यहाँ सरकारी जमीनों के पट्टे दिए जाएंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, जिन गरीब लोगों को और खासकर वीकर सेक्शन के लोगों को जो जमीनों के पट्टे दिए गए थे और अब वर्तमान सपा सरकार के दौरान भू माफियाओं ने तो काफी पट्टों पर कब्जे कर लिए हैं, तो विशेष अभियान के जरिए तो उनको मुक्त कराया जाएगा और जिन्होंने कब्जे कर लिए हैं इस बार उनको सूखा नहीं छोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के अंदर भी भेजा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को फिर से ये अवगत करा देना चाहती हूँ कि अब प्रदेश में आगे नए स्मारक संग्रहालय व मूर्तियां आदि स्थापित नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं, अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर यहाँ प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने की तरफ ही लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश व जनहित के केंद्र से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को भी कराने के लिए उनकी भी पूरी पूरी पैरवी की जाएगी। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए यहाँ फिर से ठोस व बुनियादी कदम उठाए जाएंगे और इस मामले में वर्तमान सपा सरकार के खासकर बड़े बड़े आर्थिक फैसलों की व सरकारी भर्ती आदि की भी जरूर जांच करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपके गाजियाबाद जिला व हापुड़ जिले की व गौतम बुद्ध नगर जिले की भी जनहित से जुड़ी जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें सरकार के खजाने को देखते हुए हर संभव फिर जरूर दूर किया जाएगा।
लेकिन सपा सरकार की तरह यहाँ बिना बजट के ही हवाई वे खोखली घोषणाएं वे शिलान्यास आदि नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही मेरी सरकार में खासकर कांग्रेस बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह यहाँ के लोगों का इस बार भी पलायन नहीं होने दिया जाएगा और इनकी हिफाजत व रोटी रोजी का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हुकूमत पूरे उत्तर प्रदेश में जो गरीब बेरोजगार लोग हैं उनको रोटी रोजी के साधन नहीं मिले थे, जिसकी वजह से इनको रोटी रोजी के लिए अपने उत्तर प्रदेश से पलायन करके दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मुंबई में और बड़े बड़े महानगरों में जाकर इनको बसना पड़ा था, और ये आप लोगों को मालूम है। और इसी प्रकार जब बीजेपी सत्ता में आती है तो यहाँ पर तो बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक ताकतों के मजबूत होने की वजह से तो काफी लोगों को पलायन करना पड़ता है अपने कारोबार को छोड़कर। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो आप लोगों को मालूम है कि पक्षपात की वजह से यहाँ पर रोटी रोजी के लिए और जब लोगों की सुरक्षा नहीं होती है तो उसकी वजह से भी इनको बड़े पैमाने पर पलायन करना पड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार में तो उत्तर प्रदेश में जो गरीब बेरोजगार लोग हैं उनको रोटी रोजी के साधन मिले हैं, उनकी पूरी सुरक्षा की गई है, उनको मेरी चारों हुकूमत में उत्तर प्रदेश से ना तो रोटी रोजी के लिए ना अपनी सुरक्षा को लेकर उनको पलायन नहीं करना पड़ा है। बल्कि जो लोग कांग्रेस सपा और बीजेपी के शासनकाल में पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए, बल्कि वो लोग वापिस अपने प्रदेश में आ गए हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी के लोग जो बड़ी बड़ी बातें आजकल हांक रहे हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि पश्चिमी यूपी से बड़ा पलायन हुआ है। पलायन तो सभी पार्टियों की सरकारों के दौरान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा पलायन हुआ है तो वर्तमान केंद्र की भाजपा की सरकार के चलते इनकी नोटबंदी की वजह से हुआ है। आप लोगों को मालूम है कि जब बीजेपी ने नोटबंदी का फैसला लिया तो अपने यूपी को छोड़कर जो बाहर के प्रदेशों में लोग रोटी रोजी के लिए गए थे तो वहां पर वो लोग इनकी नोटबंदी की वजह से भूखे मरने लगे, और फिर उनको बाहर के प्रदेशों को छोड़कर अपने उत्तर प्रदेश में पलायन करना पड़ा। ये आप लोगों को मालूम है। रैली कर रही हैं और लोगों से मुखातिब हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में और खासकर प्रदेश के शासन सरकार की वजह से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो बीएसपी सरकार बनने पर जंगल राज का सफाया होगा, कहना है मायावती का। सपा के राज में यानी समाजवादी पार्टी के राज में जमीनों को लेकर जो एनक्रोचमेंट किया उसको लेकर भी मायावती खूब बरसी। कामयाब बनाना है, हालांकि गौतम बुद्ध नगर जिले की एक विधानसभा के क्षेत्र के लोग आए हैं नोएडा के, बाकी जो विधानसभा की सीटें हैं उन सीटों के लोग बुलंदशहर के प्रोग्राम में आए थे। तो ये जो प्रोग्राम है तो ये केवल गाजियाबाद जिला, हापुड़ जिला और गौतम बुद्ध नगर जिले की केवल एक सीट का ये प्रोग्राम है, जिसको आप लोगों ने बड़े पैमाने पर इसे कामयाब बनाया है। और मेरी आप लोगों से ये पुरजोर जो अपील है कि आप लोग गाजियाबाद, हापुड़ जिले के अपनी पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को और गौतम बुद्ध नगर जिले की नोएडा की सीट के जो प्रत्याशी हैं, तो जो ये आप लोगों के सामने मंच पर खड़े हुए हैं, तो मैं आप लोगों से और आप मंच पर खड़े होकर हाथ जोड़कर आप लोगों से वोटों की अपील भी कर रहे हैं। और इनकी ओर से मेरी भी आप लोगों से ये अपील है कि आप लोग अपनी पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के
वाले बटन को दबाकर आप लोग इन प्रत्याशियों को जरूर कामयाब बनाएंगे। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन इसके साथ ही अपनी संबंधित क्षेत्र के पार्टी के लोगों को जरूर ध्यान रखना है। और अब अंत में मुझे आप लोगों के ऊपर ये पूरा भरोसा है कि आप लोग बीएसपी के अपने इन सभी प्रत्याशियों को से जरूर कामयाब बनाएंगे, विजयी बनाएंगे। और साथ ही इसके यहाँ पर आप लोग अपनी पार्टी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की भी सरकार जरूर बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। तो गाजियाबाद में मायावती को आप सुन रहे थे और देख रहे थे। मायावती ने कहा कि किस तरीके से उनको वोट दें, क्योंकि वही विकास का असल में एकमात्र विकल्प है प्रदेश में। अलायंस में भी जमकर बढ़ती, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और बताया कि देश के अधिकतम लोगों का शोषण और उत्पीड़न किया गया है।